हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट इन्वेंटरी फीचर है परचेज मैनेजमेंट ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज होता है अगर आप कोई भी परचेज करते हैं और उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट आप पे करते हैं, उसको अगर आप अलग से ट्रैक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस फीचर का यूज़ करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो परचेज की वैल्यू के अंदर ही, जो आपने स्टॉक परचेज किया होता है उसके अंदर ही जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसको, उस वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं कि हमें जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो हमें अलग से शो नहीं करवानी, वो हमें परचेज की वैल्यू के अंदर ही ऐड करवानी है। तो उसके लिए हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करते हैं। आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और हम यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारी एडिशनल कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज करी या हमने कोई भी और चीज़ हमने परचेज करी, तो उसके लिए हमने एडिशनल कॉस्ट कोई भी पे करी, जैसे हमने फ्रेट पे किया, हमने वेजेस पे किए, हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, तो जो भी हमारे एडिशनल कॉस्ट होती हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही सेटिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी एडिशनल कॉस्ट की वैल्यू होती है वो हमारी परचेज की वैल्यू के अंदर ही ऐड हो जाती है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे, ग्रुप्स, ऑल्टर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ओपन करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ले लेंगे, हमें क्वांटिटी वाइज नहीं अप्रोप्रिएट करना, उसको वैल्यू वाइज करना है कि वैल्यू के अंदर ऐड हो, अदरवाइज वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू लेंगे कि टोटल वैल्यू के अंदर ऐड होके आ जाए। तो हम इसमें ये वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ परचेज किया, यहाँ पे मैंने परचेज का एंट्री करी, नेम ऑफ आइटम आप यहाँ पे ले लेंगे कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेहंदी की ही एक आइटम बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने ग्रुप नहीं यूज किया, मैंने प्राइमरी ले लिया, यूनिट्स में हम नंबर्स ले लेते हैं। हाँ, गोडाउन हमने अभी मेन लोकेशन ले लिया। क्वांटिटी ली मैंने 10 मशीनरीज परचेज की 20,000 ईच, ये हमने आइटम परचेज कर ली। अब इसके साथ हम देखते हैं कि हमने जो पे किया, हमने जो एडिशनल कॉस्ट पे की वो हमने मान लीजिए वेजेस पे किए, तो वेजेस हमने जो पे किए या हमने फ्रेट पे किया वो हमने मान लीजिए 2,000 रुपीस किया, या हमने कुछ पर्सन किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें जो हमने एडिशनल कॉस्ट पे किया है उसका हमें लेजर क्रिएट करना होगा। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पे ऑल से यहाँ पर, तो मेरे पास आइटम क्रिएशन आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, प्रेस करना है और यहाँ पे आप ऑल्ट सी करेंगे, आपको यहाँ पे लेजर क्रिएशन मिलेगा। तो चलिए हम फ्रेट का एक लेजर बना लेते हैं अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब आप यहाँ पे रेट आ रहा है कि आप कितना परसेंट, मान लीजिए मैंने कहा 2 लाख रुपीस का 2% मैंने फ्रेट पे किया है, तो अगर आप परसेंटेज वाइज लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप सिंपल अमाउंट लिख के लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो हमने यूज किया, हमने जो परचेज किया उसके साथ हमने एडिशनल कॉस्ट को भी यहाँ पे अमाउंट जो हमारे पास बिल में आया था, जो हमने परचेज किया और हमें बिल में मिला कि इतने का आपने मशीनरी परचेज किया और इतना आपका फ्रेट चार्जेस आपको देना पड़ेगा, उतना हमने यहाँ पे एंड। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्रेट का अमाउंट 2,000 है ये मेरे को मशीनरी की वैल्यू एड होके दिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं, अकाउंट्स, बुक्स, लेजर, यहाँ पे आप फ्रेट का लेजर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं शो हो रहा, फ्रेट के अंदर 2,000 जो रुपीस थे वो यहाँ पे नहीं शो हो रहे, वो क्योंकि वो हमारी परचेज की वैल्यू के अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। आप कैसे देखेंगे उसको, इन्वेंट्री बुक्स पे आएंगे, स्टॉक आइटम, आपकी जो आइटम है मशीनरी उसके आप एंटर करेंगे उसके ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,02,000 रुपीज़ आ रहा है। इट मीन्स कि जो आपकी एडिशनल कॉस्ट थी वो हमारी परचेज की वैल्यू के अंदर ऐड होके शो हो रही है। तो ऐसे करके आप एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज़ करते हैं, जो भी एडिशनल कॉस्ट होती है उनको परचेज की वैल्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिएगा, जो भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।